जय माता दी, राधे राधे। आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव एवं माता गौरी की पूजा का विधान है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी का व्रत अपने विशेष महत्व को रखता है। सप्तमी का व्रत माताओं के द्वारा किया जाने वाला अपनी संतान के लिए है। इस व्रत को करने वाली माता को प्रातःकाल में स्नान और नित्यक्रम क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद प्रातः काल में श्री विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सप्तमी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दीराहार व्रत कर दोपहर को चौक पूर कर चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी तथा नारियल आदि से फिर से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी तिथि के व्रत में नैवेद्य के रूप में खीर, पूरी तथा गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। संतान की रक्षा के लिए कामना से भगवान भोलेनाथ को कलावा अर्पित किया जाता है तथा बाद में इसे स्वयं धारण कर इस व्रत की कथा सुनी जाती है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठा कर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमस ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पूर्वी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल जाती।
कुछ समय बाद दोनों मर गए। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गुंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी पंडितानी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसे मन में ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप टूट करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद तो मुझसे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बहुत प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी के स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गए और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी मुझे भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है
और दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्वजन्म की कथा तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंततः ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाली उपवास का विधान नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं और साथ ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान देवे। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए प्रति साल के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत जिस स्वयं भी करे तथा दूसरों से भी करवाए, नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, अमर पद पाकर अंत में शिवलोक को जाता है।